असी पहला भी ये गल कह चुके हाँ कि जी बंदी सिंह की गल हो रही है, असी अपने इलाके तो यह आवाज़ बुलंद करन वास्ते गुंगिया ते बहरिया सरकारां दे कन्नां तक पहुँचाने वास्ते ये इलाके का इकट्ठ कर रहे हैं, ना कि मतलब कल्ले सिखां दा। कमी इत्थे है, जे सरकारां दी नाकामी रही है तां इह साडे जिहड़े बंदी सिंह है बेकसूर है, ये अज तक 32-32 साल 30-30 साल 28-28 साल ये जेलां दे विच गैर संविधानक तरीके दे नाल डके हुए है। घट गिणतियां दे नाल धक्का हुंदा आ रहा है, ते इह जे सरकारां इस गल नूं छड्ड देण तां तकरीबन साडा इंडिया हिंदुस्तान नूं सोने दी चिड़ी कहा जांदा सी, अज भी सोने की चिड़ी है, जिहे संविधानक हक जिहड़े सारे नूं बराबर दित्ते जाण। सारे इकट्ठे होके आओ इंसानियत के तौर पर, जिन्हों का हक बनता बाहर आन, जो सरकार को कोई लगता जनता करे, लामबंदी ले की संदेश देना चाहते हो? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी पहला भी ये गल कह चुके हाँ कि जी बंदी सिंह की गल हो रही है, असी अपने इलाके तो यह आवाज़ बुलंद करन वास्ते गुंगिया ते बहरिया सरकारां दे कन्नां तक पहुँचाने वास्ते ये इलाके का इकट्ठ कर रहे हैं, ना कि मतलब कल्ले सिखां दा। सानू ते गुरबाणी दा सिधांत ये दसदा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा, क्योंकि असी सांझीवालता दे प्रतीक हैं, असी सांझीवालता दे विच रहना चाहुंदे हैं, असी भरा मारू जंग नहीं करना चाहुंदे, क्योंकि जे सरकारां दी नाकामी रही है, जिहड़ी कमी दी तुसीं गल कीती है, कमी इत्थे है, जे सरकारां दी नाकामी रही है तां इह साडे जिहड़े बंदी सिंह है बेकसूर है, ये अज तक 32-32 साल 30-30 साल 28-28 साल ये जेलां दे विच गैर संविधानक तरीके दे नाल डके हुए है। साडी आवाज़ पहुँचाउण वास्ते असीं इही संदेश देना चाहुंदे हां, जिन्नियां भी जथेबंदियां जथेबंदी दा बिना ना लए अज पंथक इकट्ठ की लोड़ है, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नूं समर्पित होके अकाल तख्त साहब दे निशान दे थले एकत्र होके बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते असीं सारे हमला मारीए, भावें पंजाब हरियाणा हिमाचल पूरा इंडिया इस चीज़ नूं चाहुंदा कि जो संविधानक हक ने वो सारे नूं बराबर मिलने चाहिए ने, लेकिन घट गिणतियां दे नाल धक्का हुंदा आ रहा है, ते इह जे सरकारां इस गल नूं छड्ड देण तां तकरीबन साडा इंडिया हिंदुस्तान नूं सोने की चिड़ी कहा जांदा सी, अज भी सोने की चिड़ी है, जिहे संविधानक हक जिहड़े सारे नूं बराबर दित्ते जाण। वो बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके इंसाफ मार्च है, क्योंकि यह जमहूरीयत दा मसीहा अखवाउंदा साडा देश, जिथे वख वख धर्मां नूं वख वख जिहड़ियां कास्टां दे लोकां नूं कहिंदे इक गुलदस्ते दे विच विभिन्नता दा जिहड़ा विभिन्नता दे विच भिन्नता दा जिहड़ा दर्शाउंदा इक ते उह दृश्य नूं दर्शाउंदा, लेकिन इहदे विच अज किते जमहूरीयत नज़र नहीं आउंदी, क्योंकि जमहूरीयत दा अर्थ हुंदा है लोकतंत्र, लोकां दा राज, लेकिन जदों घट गिणतियां दे उत्ते ये तशद्दद किए जाते हैं, उन्हां नूं जान बुझ के जिहड़ा हैगा वो तसीहे दिते जाते हैं, तो यह गल जिहड़ी बर्दाश्त तो बाहर हो जाती है। साडे सिंघ ने तुसीं देखिया कि 32-32 सालों तो 28-28 सालों तो नज़रबंद ने, हाले तक इन्हां ते कोई आरोप सिद्ध नहीं होया, तो भारत का कानून कहिंदा है कि जदों तक किसी भी आरोपी ते आरोप सिद्ध नहीं हुंदा उदों तक वो निर्दोष है, जदों तक किसी भी गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। कल नूं अगर इन्हां नूं बाइज्जत बरी कीता जांदा है तो इन्हां दे 32 साल जिंदगी दे कोई है सरकार जिहड़ी मोड़ देवे, वह कित्थों वापस आउणगे? यह अज बड़ा जिहड़ा क्वेश्चन मार्क जिहड़ा चिन्ह यह इहदे ते सरकार ते खड़ा हुंदा है कि तुसीं इन्हां नूं बिना आरोप सिद्ध होया तो नज़रबंद नहीं रख सकते। और सब तो जिहड़ी घिनौनी हरकत है सरकार की, अज तक इन्हां सिंघां चों किसी नूं भी परोल तक नहीं दित्ती गई, जबकि इत्थे कातल बलात्कारी सौदा साध वर्गे जड़े है वो परोलों से बाहर आ जाते हैं, तीजे दिन सरकार उन्होंने जी है बाहर लेके आती, लेकिन की गल सा घट गिणती का यही कसूर है भी असं इस देश के घट गिणती ने। सो जगवीर सिंह बेला नजर आ रहे, मैं सख्त और तिखा भी सवाल करूंगा, कमी रही बेशक असी पंथ नूं इकट्ठा करन दी गल कर लईए, कौम दी बेशक अज तुसीं बहुत अच्छा मैसेज दिता
ਕਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਮੀ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 8-10 ਬੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।